हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और देखो, जस्ट अभी उठे, अभी बज रहे 8:30 बज रहे। कल रात ना 2:30 बज गए थे सोते सोते, क्योंकि लेट शिफ्ट होती है, 1 बजे तो मैं आता हूँ, उसके बाद ये सोने नहीं देते। दोस्त लोग हल्ला गुल्ला लगे रहता है, बाकी हंसी मजाक चलती रहती है, रात को थोड़ी बातें चलती है अपनी, थोड़ी दोस्तों के बीच में, यू नो, दिनचर्या शेयर करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, इन चीज़ का भी अपना अलग मज़ा है। पर दिक्कत ये है ना, सब लोग तो आराम से उठते हैं, कोई 11 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है, पर हम जाते हैं जिम तो हमें उठना पड़ता है। ये देखिए, सब लोग तो सो रखे हैं और सुरेश बगल वाले रूम में। भाई उठ जाया करो यार, इतना तो कुंभकर्ण भी नहीं सोता जितना तुम सोते हो। गुड मॉर्निंग यार। एक बंदा नहा धोके, मतलब नहा धोके तो क्या, मतलब मुंह हाथ धोके, मुंह हाथ भी धोए, मतलब उठ के रेडी हो चुका है और तुम सोए पड़े हो। और मैं ना 3 बजे सोया था, 3:30 बजे, और ये मेरे में 1 बजे आया था तभी तो सोया पड़ा था। मेरी तो नींद खुली जाती है अपने आप, नींद उड़ गई रे मेरी तो, नींद उड़ गई। जिम से पहले ना हमेशा मैं एक चीज़ ज़रूर खाता हूँ, वो है कॉफ़ी पीता हूँ। मतलब अब मैं खाता हूँ, देखो मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, सीधा मुँह पर डालता हूँ और सच में बहुत कड़वी होती है। अरे दीपक, भगत जी, क्या नाम है इनका? जोशी जी। जोशी जी, ओ जोशी जी। अरे जोशी जी, अरे यार कोई सुन नहीं, दीपुदा यार गेट लगा दो यार, जा रहे। जोशी जी, ओ जोशी जी, इसकी यार मर गए हो क्या? अभी जिम को जा रहे और धूप आ रखी है बढ़िया, धूप तो मस्त आ रखी है, मजा आ रहा है। तो क्या मारे, चेस्ट और ट्राइसेप मारते आज? कुछ फुल लेग फॉलो करते हैं, बढ़िया कर गया वो, ये होता भाई। गर्मी भी आ गई है, आज ट्राई करते हैं 27.5 kg के इंक्लाइन डंबल प्रेस, देखते कितने रेपुटेशन पड़ते। उस दिन मैंने 25 से 22 रेपिटेशन मारे थे, कोई नहीं चला। तो भाई वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट, अच्छा चलो फिर, चलो हो गया आज का, छाती फट गई। अरे सुरेश भाई। हाँ भाई बता। तुम एक लड़की में क्या देखते हो ये बताओ। यार देख, लड़की में हम क्या देख सकते हैं, बट भाई मैंने तो एक ही चीज़ देखी थी लड़की में। बोलो। वो मुझे उसकी साइड से ना एक लॉयल्टी चाहिए थी मुझे, जो मिली नहीं आज तक। मैं बताता हूँ देखो क्या होता फंडा, हम लड़के ना लड़कियों से बस एक ही चीज़ मांगते, पर काफ़ी कीमती चीज़ होती है, पता है वो क्या है? वो है लॉयल्टी। अगर जितना बहुत आसान है अगर दे सकते हैं लॉयल्टी, यार ऐसा भी नहीं है कि जिस लड़की ने ये चीज़ दे दी ना, यकीन मानो मैं ना सब चीज़, मतलब कुछ भी कर लूँगा उसके लिए मैं, अगर एक चीज़ दे दो लॉयल्टी, बहुत कीमती चीज़ है बस। और सच बताए ना, मौसम आजकल ना बड़ा सही हो गया, अब मतलब मैं चाह रहा हूँ साल भर ऐसे ही मौसम रहे भाई, कितना सही है ना, गर्मी ना ठंड, इससे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़नी चाहिए, नींद भी बढ़िया आती है, जिम भी बढ़िया हो रहा है, पसीना भी नहीं आ रहा, ठंडा भी नहीं लग रहा, ऐसा मौसम भाई, वाह भाई वाह, एकदम बैलेंस मौसम चलता है, नहा भी ले रहे रोज ठंडे पानी से, और क्या, और धूप भी अच्छी लग रही है। पर जो अभी नोएडा में ना 1-2 महीने बाद जो गर्मी पड़ने वाली ना, अभी से डर लग रहा है रे, जो ये टेम्परेचर है ना ये मेंटेन करके रहता ना। हाँ, उत्तराखंड में जाने का मन करता है इस समय तो, ये गेट अब छोटा पड़ रहा है धीरे धीरे, अटक नहीं रहे। जोशी जी क्या हाल है, उठ गए? कल जोशी जी को डरा दिया है हमने गंदा वाला। और जोशी जी आप गलत काम करते हुए, क्या गलत काम कर रहे जोशी जी, आपको घोड़ी बनते हुए। हमने सिंपली इनकी वो लगा दी थी अपने फोन में, मैंने वो चुड़ैल वाली रिंगटोन सेट करी थी, बाथरूम में रख दिया रात को फोन, और मैंने रखा दीपू ने, मैंने उसकी रात के 1-2 बजे फोन लाया, हमने दौड़ लगा दी जोशी जी पीछे, दौड़ते हारे जोशी जी फाड़ के रख दी तुम
डर लगी क्या तुम्हें सही में? डर लगी नहीं तो क्या डर लगी भाई? तुम्हारी गान फट गई थी तुम्हारी फटेगी ना यार कहानी ऐसे ना कर अरे कहानी यार तुम भी डर गए आज ऐसी अलग डर आ गया रे हमने गंदा वाला डर गया वो सही क्या है जोशी को जल्दी भगाओ यार ये शख्स कभी ना ऐसा हुआ करता था देख रहे मैंने इसको जिम करा के कहां से कहां बना दिया ये देखो ये रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा कभी हम भी ऐसे हुआ करते थे देख सुरेश देख रहा है कितना मासूम सा ये भाई स्टाइल तो है भाई का भाई स्टाइल भाई बदल दिया बदलना पड़ता है खुद को भाई क्या करे मेहनत लगती है भाई मेहनत ये देखना भाई का स्वैग देख बैंस की आंख मजा आ गया कसम से तो अभी रात के 1:30 बज रहे हो अभी जस्ट शिफ्ट से आया हूँ जब भी मैं आता हूँ ना यहाँ जैसे हमारा रूम है सेकंड फ्लोर में तो उसके बाद ना मैं यहाँ बैठ जाता हूँ स्कूटी वगैरह में थोड़ा सोच विचार करते और अभी अंदर जाके मैं एंडिंग नहीं कर रहा क्योंकि सब लोग सोए हुए होंगे खाली डिस्टर्ब करना सही नहीं रहता ना सब लोग मेहनत करके आते सो जाते हैं जिस समय वीडियो चलाऊंगा तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है तो थोड़ा बहुत देखना पड़ता है चलो हंसी मजाक अपनी जगह है पर हाँ यार मेहनत करके आते सब लोंडे यार और अभी मैं जाता हूँ सीधा सो जाऊँगा क्योंकि मुझे काफ़ी नींद आ रही है क्योंकि कल मैंने इंसिडेंट बताया था अपने पिछले वाले ब्लॉग में मतलब सुबह बताया था अपने ऐसा ऐसा सीन हुआ था और आज की वीडियो कहीं पर एंड करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत और बॉडी शॉडी तो चलती रहेगी मिलते एक नई वीडियो के साथ बाय बाय।